क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिनके पैरों की हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से वो छोटे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, क्योंकि ये हेयर जो होते हैं विजिबल होते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छा नहीं लगता है छोटे कपड़े पहनना? तो आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं आई हूँ, तो चलिए देखते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में लड़कियाँ अक्सर बात ही नहीं करती हैं, या तो करती भी हैं तो कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहती हैं। तो वो टॉपिक है आपके हाइजीन को लेके, आपके स्किन को लेके है। जैसे आपके अंडर आर्म्स होते हैं, उन पे जो हेयर निकल आते हैं, आपके जो पैर होते हैं वहाँ पे हेयर निकल आते हैं, वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। किसी किसी के हेयर तो बहुत पतले होते हैं, किसी के हेयर बहुत मोटे होते हैं, किसी किसी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी की बहुत कम होती है। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। और हाँ, बहुत लोगों का ये डर होता है कि अगर हम रेजर से अपने हेयर ग्रोथ को कम करना चाह रहे हैं, अपने पैर के बालों को हटाना चाह रहे हैं, तो उससे अगर हम हटाएंगे तो पैर के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बाल और घने निकलेंगे, उनकी ग्रोथ और मोटी होगी। तो अगर आपके मन में ये डर है तो आप भी अपने मन से ये डर निकाल दीजिए। रेजर का यूज़ मैं पिछले कुछ सालों से कर रही हूँ और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है। उससे नई हेयर ग्रोथ बिल्कुल ही स्टार्ट होती है, जितने आपके हेयर है उतने ही निकलेंगे और बहुत जल्दी भी नहीं निकलते हैं। अगर आपको इस पे बिलीव नहीं तो आप पार्लर में जाके महंगे वैक्स स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। उससे आपके हेयर ग्रोथ जल्दी तो नहीं आएगी, क्योंकि वो बाल आपके अंदर से निकाल देता है, लेकिन वो पेनफुल होता है और उसके लिए आपको मोटी रकम भी खर्च करनी पड़ती है। तो अगर आप भी रेजर का यूज़ करना चाहते हैं, इजी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, खुद ही यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आने वाला है। जब भी आपको नीड हो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आप मैं किस ब्रांड का रेजर यूज़ करती हूँ। आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी ब्रांड आपको सूट करे आपकी स्किन टाइप को। तो मैं कोई सा भी रेजर यूज़ कर लेती हूँ, मुझे सारे रेजर सूट करते हैं, किसी ब्रांड का रेजर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो पर्सनली मैं जो रेजर यूज़ करती हूँ वो है ये रेजर है। इसका ब्रांड नेम मुझे तो नहीं याद है, मैंने एक साथ इसको ऑनलाइन परचेज किया था, एक साथ मुझे पास रिसीव हुए थे। इसको मैं लगभग पिछले एक सालों से यूज़ कर रही हूँ, ये लास्ट बचा हुआ है, बाकी मैं फेंक चुकी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती। जब मुझे नीड होता है, जब मुझे अपने स्किन को दिखाना होता है, उस टाइम मैं यूज़ करती हूँ। रेगुलरली मैं यूज़ नहीं करती इसको। तो आप भी इस तरीके से यूज़ करके अपनी स्किन को चमका सकते हैं, अच्छी रख सकते हैं। और आपके मन में जो भी डर है कि रेजर के यूज़ करने से आपकी स्किन खराब हो जाएगी, आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो डर भी आपके मन से बिल्कुल निकलने वाला है। तो मैं दिखाती हूँ मैं किस तरीके। तो ये देखते हैं कि इस रेजर का यूज़ करके कैसे अपने बालों को हम हटाते हैं और स्किन को बेहतर बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरे पैर और देखिए इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मेरे पैरों के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा काले और मोटे वाले बाल हैं। इनके मैं हमेशा रेजर से ही इसे साफ़ करती हूँ। मैं कभी भी स्ट्रिप का यूज़ नहीं करती हूँ, कभी वैक्स नहीं कराती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा ईजी लगता है और मुझे वैक्स से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, क्योंकि वो खींच के निकालते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए मैं हमेशा इजी तरीका यूज़ करती हूँ और हमेशा रेजर का ही यूज़ करके अपने बालों को निकालती हूँ, पैर के बालों को साफ़ करती हूँ, और जिससे मेरे पैर जब विजिबल होते हैं तो वो अच्छे दिखते हैं। हाँ, ये बहुत अंदर से नहीं निकालता है, ये ऊपर से ही कट करता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो आपके पैरों से बाल हट जाते हैं और काफ़ी अच्छे दिखते हैं पैर। तो देखिए इनकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है और ये देखने में कितना ज़्यादा भद्दा लग रहा है, बुरा सा लग रहा है। तो ऐसे भी छोटे कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आप भी ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और रेजर से आपको ये रहता है कि अगर आपने रेजर का यूज़ करके अपने पैरों के बालों को हटा लिया है तो आपके पैरों के बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये सिर्फ आपका मिथ है, आपका भरम है। इससे यूज़ करने के बाद कभी भी एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकलते हैं। अगर ऐसा ही होता तो आजकल जो गंजापन की समस्या, हर कोई ऐसे ही अपने सिर के बालों को साफ़ करते रहता है रेजर की हेल्प से और उनके बालों में गंजापन कभी आता ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके जो पैरों के बाल हैं उनको थोड़ा सा गीला कर लेना है। उसके बाद इसमें आप कोई सा भी सोप लगा सकते हैं, कोई सा भी फेस वॉश लगा सकते हैं, कोई भी बॉडी वॉश लगा सकते हैं, जो भी आपके पास इजिली अवेलेबल हो। तो मैं नीम का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा लूँगी। और इसको क्या करना है, पूरे पैरों में अच्छे से स्क्रब कर लेना है, अच्छे से लगा लेना है। इससे क्या होगा कि जो पैरों के बाल हैं, जो उनकी हार्डनेस है, वो हार्डनेस कम हो जाएगी और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपको बिल्कुल भी पेन तो होगा ही नहीं और आपके बाल जब ये निकलेंगे कटेंगे तो परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो रेजर को थोड़ा सा गीला कर लेना है पानी में, उसके बाद बस इजली इसको ग्लाइड करते जाना है और इससे बिल्कुल भी कट लगने का डर नहीं होता है, ये इजली ग्लाइड हो जाता है।
तो इस तरीके से देखिए फ़र्क देखिए साफ साफ कि इधर जिधर बाल मैंने नहीं निकाले हैं कितना क्लीन लग रहा है, और जिधर निकाल दिया उतना क्लीन लग रहा है। दोनों में डिफरेंस साफ आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। तो रेज़र का यूज़ करना बहुत ही आसान है और इसको आप इजीली अब जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको कहीं जाना है आप इसको इजी कैरी करके ले जा सकते हैं। किसी पार्टी फंक्शन में जाना है आपको, आप पार्टी फंक्शन में जाने से पहले पार्लर जाने का टाइम नहीं है आपके पास, उस टाइम पे आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। एक तो इजी टू यूज़ है ये, ऊपर से इसको कैरी करना बहुत ही आसान है। तो ये बहुत सारे ब्रांड में अवेलेबल होता है। इसी तरीके से आप अपने दोनों पैरों में लगा के दोनों पैरों में इसी तरीके से पैरों को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, वाटर से इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और उसके बाद इसको क्या करना है आप किसी क्लीन टॉवल से इसको साफ़ कर लीजिए। तो मैंने ये सारे प्रोसीजर कर लिए हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लेना है, कोई सा भी क्रीम लेना है, लोशन टाइप का जो भी हो, उसको क्या करना है आपको अपने पैरों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है, जिससे थोड़ा भी इचिंग जलन या फिर कोई परेशानी अगर आपको होती है यूज़ करने के बाद तो वो सारे सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज मेरे ये सारे तरीके अच्छे लगे होंगे और आपको भी आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।